हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। जैसा कि हम जानते हैं, बीकॉम पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के कहने पे मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के एडवांस अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में हमारे पास दो यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास पांच चैप्टर्स हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इंश्योरेंस क्लेम, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ठीक है। सेकेंड यूनिट में हमारे पास अमलका मिशन, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन है, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन है, देन अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है, ठीक है। तो देखा जाए तो सारे के सारे चैप्टर्स जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चार चैप्टर्स हैं, चार क्वेश्चंस आने हैं, तो किसी में थ्योरी किसी में प्रैक्टिकल आएगा। तो जो मैंने क्वेश्चंस लिए, मैंने हर एक चैप्टर में जो थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले हम पिछले साल का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, हमें पता है कि जो तीन सेक्शंस आएंगे पेपर में, 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। जो सेक्शन ए होगा ये फुल सिलेबस को कवर करेगा। फुल सिलेबस में से क्या है कि जो 6 क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 क्वेश्चंस में से आपने कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल्स भी होंगे और थ्योरी भी हैं। ज़्यादातर 4 प्रैक्टिकल और जो 2 क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी के होंगे। आपने कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं। चारों प्रैक्टिकल कर सकते हो, 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल कर सकते हो, 3 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास चॉइस है। और ये जो 4 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच होगा, 20 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट होगा, ठीक है जी। देन हमारे पास आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। 30 मार्क्स मतलब 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करने हैं। आएंगे कितने आपको, 4 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 2 थ्योरी होंगे और 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल के होंगे। तो आपने चारों में से कोई 2 करने हैं। दोनों थ्योरी कर सकते हो, दोनों प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास चॉइस है, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन सी भी उसी तरह से 30 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है जी। तो उस 4 क्वेश्चंस आएंगे, चारों में से 2 प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। ये जो, हाँ जी, अब जो थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले डिफाइन गुडविल। गुडविल चैप्टर में से क्वेश्चन आता है कि गुडविल का मीनिंग क्या है। स्टेट द ओकेजंस व्हेन गुडविल इज नीडेड, ठीक है, कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन कब करनी है और उसके वेरियस मेथड्स हैं। मेथड्स आप अच्छे से तैयार करके रख लो, उसमें इमेजिनरी फिगर से आप एग्जाम्पल दोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा इम्प्रेसिव बनेगा, ठीक है। ये दोबारा आया कि क्यों हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि इमेजिनरी फिगर से हर एक मेथड को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया शेयर्स से, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स से। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट मेथड्स। इसमें मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हैं, तो आपने मेथड्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर आपने प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, इंश्योरेंस क्लेम आ गया। अब जो अगर आपने प्रैक्टिकल्स किए तो आप बड़े आराम से इसके जो स्टेप्स हैं उनको लिख सकते हो विद एग्जांपल, ठीक है ना। जब आप स्टेप लिखोगे ना कि हमने प्रीवियस ईयर का ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो आप उसको कैलकुलेट करके भी दिखाओगे, ठीक है। तो स्टेप्स का मतलब यही है। अदरवाइज आप स्टेप लिखोगे तो वो एक पेज में ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप विद एग्जांपल दोगे तो वो अच्छा इम्प्रेसिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी किस तरह से करनी वो भी देख लो। कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी किस तरह से करनी उसकी भी
आप टर्म्स और उसकी जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर वही हो गया स्टेप्स आगे किस तरह से करनी है, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या उसके स्टेप्स है, कहने का मतलब यही है। ठीक है जी। देन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज का क्वेश्चन आ गया। तो परचेजर और वेंडर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, ठीक है, ये तो बनता ही है क्वेश्चन। इसके अलावा जो लास्ट ईयर भी आया है, मीनिंग हायर परचेज सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, दोनों का डिफरेंस देखना है आपने, ठीक है। देन हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी। देन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इन्वेस्टमेंट का प्रिपेयर करके दिखाना आपने एग्जाम्पल के साथ। देन कम इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, किस तरह एक्सप्लेन करना है, विद एग्जाम्पल करना है। तो ये क्वेश्चन आप लिख के करके देखो, ठीक है जी। अमलगामेशन आ गया, मीनिंग उसके मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिड्रेशन, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। आपने क्वेश्चन लॉन्ग 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार करना है, ठीक है। शॉर्ट में आ गया तो उसको आप शॉर्ट कर लोगे, पर अगर आपने 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार किया और 15 में आ गया तो वहाँ पे आपको लेंथ जो है बनानी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए 15 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की तैयारी करो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, स्टेट द अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी इन केस ऑफ सच अमलगामेशन, ठीक है। नेचर ऑफ मर्जर को एक्सप्लेन करना है। खत्म अमलगामेशन के, मैं तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। देन व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इट, ठीक है। इसकी जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको आपने एक्सप्लेन, ठीक है। जर्नल एंट्रीज अगर थोड़ी बन रही हैं तो विद एग्जांपल आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स इन अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को किस तरह से ट्रीट करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो होल्डिंग के अकाउंट्स में हमने किया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, ठीक है। इसके अलावा होल्डिंग कंपनी क्या होती है, होली ओन्ड क्या है, पार्टली ओन्ड होल्डिंग कंपनी क्या है। देन कंडीशंस अंडर विच अ कंपनी बिकम सब्सिडरी ऑफ एन अदर, किन कंडीशंस में कोई भी कंपनी दूसरी की सब्सिडरी बनती है। हाँ जी। देन आ गया गिव स्पेसिमन ऑफ लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड व्हाट इज डेफिशिएंसी सरप्लस अकाउंट, तो डेफिशिएंसी ऑब्लीग सरप्लस, तो उनका फॉर्मेट सेम ही होता है, ठीक है जी। देन लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 15 में भी आ सकता है। गिव परफॉर्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विद द इमेजिनरी फिगर्स, ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है, क्या होते हैं, विद एग्जांपल इनको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन सर्कमस्टांसिस वन अ कंपनी वाउंड अप, ठीक है, कंपनी किन सर्कमस्टांसिस में वाउंड अप होती है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ थ्योरी करके जा रहे हो तो कोशिश करना जो मेरे से रह गए क्वेश्चंस उनको भी रीड करके जाना, फिर आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि दो थ्योरी हैं, दो प्रैक्टिकल हैं। अगर आपने सिर्फ थ्योरी करनी, आपके पास चॉइस नहीं है, तो आप कुछ भी छोड़ के नहीं जाओगे। अगर आपका प्रैक्टिकल तैयार है देन आप थ्योरी में थोड़ी चॉइस ले सकते हो, बट अगर थ्योरी करके जाओगे तो ज़्यादा सेफ रहोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में कई बार बड़ा इजी आ जाता है और कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसी तैयारी करके जाते हो, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।